इज 200, ये भी आपका सामने फोन में इतना बात नहीं कर सकते। दिन भर में 1 लाख होना था तो हम 2020 का गाड़ी, 2020 का गाड़ी है, ये भी पड़ जाएगा 1,03,000 तक। अपाची RTR4 भी 200, ये भी 2019 का मॉडल है। 64 भी, ये भी आपका 9-8 महीना का गाड़ी है। तो मैं आप लोगों के लिए हर जगह जाऊंगा, हर जगह से वीडियो लाऊंगा, जैसा आप लोग रिक्वायरमेंट रहेगा मैं वैसा वीडियो आप लोग लाऊंगा। आप लोगों सिर्फ एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। और वीडियो का गाड़ी बोले 2019 का है, 19 का मतलब कितना तक इंश्योरेंस हो जाएगा? 2024 तक, 2024 तक इंश्योरेंस हो जाएगा। और दाम इसका प्राइस ड्यूल चैनल ABS है, 150 है, 350 क्लासिक है, अपाची 2 भी, इसका भी 52 तक आ जाएगा। But it was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ चुका हूँ। आप लोगों को थंबनेल के साथ पता चल ही गया होगा ये प्रदीप ऑटो है, बाकी थंबनेल के साथ नहीं पता चला होगा क्योंकि प्रदीप का जो गाड़ी रखने का जो जगह था, जैसे कि मैंने बोला था अगला वीडियो पर लाइनअप करके रखने का जगह बन रहा प्रॉपर से, तो वो लगभग बन चुका, बहुत सारा काम अभी बाकी है। फिर भी मैं आप लोग के लिए आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अभी चलेंगे प्रदीप के पास और एक एक करके डील दिखाऊंगा और लोकेशन क्या रहेगा सब कुछ मैं बता दूंगा नया नया सब्सक्राइबर के लिए। और डील की बात करें तो मैं आप लोगों को ड्यूक, अपाची, RTR4V 200 और वर्जन 3 मतलब आपका FZ का वर्जन 3 और अपाची 4 भी बहुत सारा दिखाऊंगा, अपाची 2 भी बहुत सारा दिखाऊंगा, बुलेट भी दिखाऊंगा, माइलेज वाइज बहुत सारा आप लोग दिखाऊंगा। तो वीडियो आप लोगों सिर्फ एक ही काम है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है? तो चलते जल्दी से प्रदीप के पास और करते एक एक करके डील को शुरू। तो प्रदीप, कैसे आप? बढ़िया है ना? तो ये जगह भी बनने में कितना टाइम लगेगा? और 2-4 दिन, 2-4 दिन लगेगा उसके बाद से। और बाकी वर्जन 3 अभी भी बहुत सारे हैं आपके पास, लेकिन वर्जन 3 शायद इस बार हम लोग नहीं दिखा पाएंगे। बाकी वीडियो का लास्ट में सकता मैं ऐड कर दूंगा वर्जन 3, लेकिन बात ये है ना कि अभी वर्जन 3 वहाँ सब रखा हुआ है ना, यहाँ पे फिर बाद में फिर ये होगा। तो आज डील मतलब कहाँ से स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से हो जाएगा? आज सब हाई पिकअप है, जो भी है सजाया हुआ, जैसा सजाया हुआ है। बाकी ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी गाड़ी सजाया हुआ आप लोग देखने मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो वर्जन 3 से। सबसे पहले बड़ी इसके बारे में बता दीजिए आप। ये वर्जन 3 2020 का मॉडल है, BS6 मॉडल, ये FZ वर्जन 3 ऐसे, और इसका पड़ जाएगा आपका 71। 2020 का मॉडल है, 71,000 प्राइस पड़ जाएगा, मात्र 71,000 में आ रही है। इसके बाद आता हम लोग ड्यूक, कौन सा है ये? ड्यूक है 125, 125 80 नंबर, 2020 का गाड़ी है, 2020 का गाड़ी है। ये भी पड़ जाएगा 1,03,000 तक, 125 से 1,03,000 तक आ जाएगा। बाकी सभी गाड़ी का टायर कंडीशन आप लोग अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी बहुत दिन से यहाँ पे काम हो रहा था, इसीलिए क्या हुआ ना कि गाड़ी अभी भी कुछ गाड़ी वॉश हो रही है, लेकिन हर गाड़ी अभी तक वॉश नहीं हुआ क्योंकि काम बहुत ज्यादा हो रहा था, और काम अगर होता है तो धूल मिट्टी तो उड़ना ही है इसीलिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग आते हैं फिर से अपाची RTR4V 200, ये भी 2019 का मॉडल है, 19 का बीच का मॉडल है, ये भी वो फुल कंडीशन है। तो टायर कंडीशन एक बार दिखा देंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, अभी तक टायर की काटा पता चला। इसका भी 81 तक आ जाएगा, 81 तक, 81,000 तक आ जाएगा। और पता, अगर हमारे जैसे सब्सक्राइबर है बहुत दूर दूर से आते हैं तो थोड़ा कुछ नेगोशिएट हो जाएगा उसके लिए, हो जाएगा ना। और एड्रेस वेड्रेस सब कुछ मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, आप लोग वीडियो पे बने रहिए, ठीक है? इसके बाद आता पल्सर, इसका पल्सर 150 है, ये 2017 का, 2014 का मॉडल है, 15 का मॉडल है, 15 का मॉडल है, हाँ 2015 का मॉडल है, ये भी फुल कंडीशन है, 2016 का मॉडल, 2016 का मॉडल है ना, 15 का, ये 15 का लास्ट का है। टायर फायर सब कुछ अच्छा है, इसका भी आपका 34 तक आ जाएगा, 34 तक आ जाएगा, बिल्कुल टायर फायर सब कुछ देख सकते हैं, फ्रेश टायर के साथ आ रही है। बाकी ये सब गाड़ी का अभी काम चल ही रहा है, ठीक है? काम चल रहा मतलब गाड़ी वहाँ से यहाँ आया, उसके बाद थोड़ा सा कुछ काम अगर बाकी रहता तो वो, तो ये 12 का गाड़ी है पल्सर, ये भी 22,000 तक आ जाएगा, 2012 की गाड़ी है, 22,000 तक आ जाएगा। और उसके बाद फिर से आते हैं पल्सर 150, 2017 का मॉडल है, 2017 का मॉडल पल्सर है 150, ये भी बहुत अच्छा कंडीशन है, इसका भी 34 तक आ जाएगा, 34 तक आ जाएगा। तो ये सब गाड़ी का सीट उट खुला होने का रीजन एक है ना कि देखिए मेरे पास गाड़ी पुराना मॉडल है, ठीक है? थोड़ा बहुत तो गाड़ी में काम लगेगा ही, तो वो पर्दे तो खुद से करा के दे रहे आप लोग, इससे बड़ा बेनिफिट और क्या चाहिए? थोड़ा सा तो भाई ये सब जब तक आप लोग आओगे लेने तब तक सब कुछ रेडी हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आता है फिर से अपाची 4, ये 7-8 महीने की गाड़ी है क्या? 164 भी,
ये भी आपका 8 महीना का गाड़ी है, 9 महीना का गाड़ी, ये भी फुल फ्रेश है, ये 92 तक आ जाएगा, 92 तक आ जाएगा। एलईडी लाइट न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल है, एलईडी लाइट के साथ जाएगी, एलईडी लाइट के साथ है। इसके बाद इसका टायर कंडीशन दिखा दीजिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर का भी नहीं है, ये भी कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी एक स्क्रैच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोअर चला 91 में आ जाएगा। इसके बाद आता है सुजुकी जिक्सर, ये भी आपका 2019 का मॉडल ABS के साथ है, ये भी ABS मॉडल है, फुल फ्रेश गाड़ी है, इसका भी आपका 61 तक आ जाएगा, 61 तक आ जाएगा। ये भी आपका 200 है, NS 200, 2017 का मॉडल है, 2017 का मॉडल है NS 200, ये भी आपका 71 तक आ जाएगा, 2017 का मॉडल है NS 200, 71 तक आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो टायर कंडीशन मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, तो ये टायर क्या कस्टमर लगा के दिया कि आप लगवाया? नहीं, कस्टमर ऐसे ही आया था, गाड़ी जैसा आया था वैसे आप दे रहे हैं ना, ऐसे लगा हुआ, कुछ ऐसे लगा। इसके बाद एक पल्सर है, ये बिल्कुल मिंट और नया कंडीशन में गाड़ी है, कितने साल की गाड़ी हो जाएगी? 2018 का गाड़ी है, 150 पल्सर, डबल सीट का है, सीट कटिंग में आता था, सीट कटिंग सीट है, ये भी आपका 46 तक आ जाएगा, 46 तक आ जाएगा। और एक है पल्सर 150, 2018 का है, 2018 का मॉडल है, 2018 का मॉडल है, 150 पल्सर है, ये भी अच्छा कंडीशन है। गाड़ी लेने के बाद हम लोग थोड़ा सर्विसिंग करके ही देंगे, वॉश करके देंगे, तो इसका भी 47 तक आ जाएगा, 47 तक आ जाएगा। अब हम लोग माइलेज बाइक तो दिखाएंगे, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा फीचर और अपाची और बुलेट दिखा देते हैं। इसके बाद फिर से गाते हैं अपाची 2B 160 19 का गाड़ी है, 5 साल का इंश्योरेंस है, ये भी आपका 61 तक आ जाएगा। अपाची 2B 5 साल का इंश्योरेंस अभी भी है, कितने साल की गाड़ी बोले? 2019 का है, 19 का मतलब कितने तक इंश्योरेंस हो जाएगा? 2024 तक, 2024 तक इंश्योरेंस हो जाएगा। अब दाम इसका प्राइस है आपका 61 61,000 में आ जाएगा। इसका फिर से आते हैं अपाची 2B 160 है, 2B है, 2B और 17 का मॉडल है, BS4 मॉडल है, ये भी 54 तक आ जाएगा, फुल कंडीशन है, 54 तक आ जाएगा, फुल कंडीशन गाड़ी है, ठीक है। और टायर कंडीशन दिखा दीजिए सभी गाड़ी का, कि सभी गाड़ी का टायर कंडीशन बहुत ही ब्रांड न्यू से रहने वाला है। इसके बाद फिर से अपाची RTR 2B पे आते हैं, फिर अपाची RTR 2B 18 का मॉडल है, ये भी मैट रेड कलर है, अपाची 2B 18 का मॉडल है, ये भी आपका फुल कंडीशन है। और बता भी दे रहे हैं कि थोड़ा बहुत धो पोछ के पॉलिश करके थोड़ा सर्विसिंग वर्विसिंग करेगा तो करके ही देंगे हम लोग कस्टमर को। इसका भी 58 तक आ जाएगा, 58,000 तक आ जाएगा। ये भी 2018 का है, 4B, ये 2018 का 4B है, नहीं 2B है, वो न्यू वाला एडिशन है ना, जो अभी हम लोगों ने दिखाया। और ये 180 है, इसीलिए उसका कलर, अच्छा अच्छा, ये 180 है, वो 160 था ना, ये 180 है, इसलिए कलर सिर्फ मैट रेड में आ रही है। इसका डिटेल्स क्या आ जाएगा? इसका भी 2018 का 2B है, अपाची 2B, इसका भी 52 तक आ जाएगा, 52 तक आ जाएगा, 2018 का 2B 52 तक आ जाएगा। ये भी आपका 3 महीना का गाड़ी है, अपाची 4B RTR 160, ये भी LED लाइट है, मात्र 2000 किलोमीटर चला हुआ है, इसका भी 1,03,000 तक आ जाएगा। तो प्रदीप, अगर 2000 किलोमीटर चला हुआ है तो आप एक बात हम लोग को बता दीजिए, जैसे कि इसका टायर तो ब्रांड न्यू है, ठीक है, गाड़ी भी ब्रांड न्यू है, तो इसका एक सर्विस अभी भी शायद हम लोग को मिल जाना चाहिए, दो सर्विस अभी फ्री होगा, तो इसी से पता चल सकता है कि किलोमीटर पे कुछ कम नहीं किया गया, ठीक है। और किलोमीटर यहाँ का कोई कम नहीं होता, किसी का 50,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है। को थोड़ा सा प्रीमियम गाड़ी दिख रहा है, अपाची वो सब का किलोमीटर थोड़ा कम से कम ही चला हुआ, ज्यादा चला हुआ नहीं है, उसी में ठीक है, बेसिक का यहाँ सिस्टम नहीं है, जो भी आपको 50,000 भी दिखाएंगे, इसका आस्किंग प्राइस क्या आ जाएगा? इसका 1,03,000 तक आ जाएगा, 1,03,000 तक आ जाएगा, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन में भी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फिर से हम लोग बुलेट पे, बुलेट क्लासिक 350 19 का मॉडल है, ABS मॉडल है, डुअल चैनल ABS है और डबल डिस है, और 19 का मॉडल है, डुअल चैनल ABS है, 150 है, 350 क्लासिक है, और इसका भी आपका 1,20,000 तक आ जाएगा, 1,20,000 तक आ जाएगा। ये भी क्लासिक 350 है, मैट ब्लैक है, ये कंपनी एलोहिल कंपनी फिटेड है, ये भी न्यू मॉडल है, ये भी आपका 1,60,000 तक आ जाएगा, 1,60,000 तक आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग जावा है, कौन सा जावा 42 है क्या? 42 है, ये भी 20 का मॉडल है, BS6 मॉडल है, ये भी फुल कंडीशन है, 13,000 किलोमीटर चला हुआ है, और गाड़ी एकदम कोई भी स्क्रैच नहीं है, एकदम न्यू कंडीशन है, इसका भी 1,10,000 तक आ जाएगा, 1,10,000 तक आ जाएगा। ये भी क्लासिक 350 है, ब्लैक, फुल ब्लैक, शाइनिंग ब्लैक, और ये भी एकदम फुल कंडीशन है, डबल ABS 12 चैनल ABS है, और इसमें प्रोजेक्टर लाइट लगा हुआ है, ये अलग से कस्टमर लगा हुआ है, अलग से कस्टमर लगा हुआ है, इसका भी 141 तक आ जाएगा, 140 मतलब 1,41,000 तक आ जाएगा।
इसके बाद थोड़ा सा 100 सीसी में दिखा देते हैं, ठीक है? ये है आपका 19 का मॉडल है, सीबी साइन 4G BS4 19 का एसपी साइन है, 2019 का है ना, 2019 का। ये भी आपका 60 तक आ जाएगा। बहुत सारे बंदों का क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि आप लोग सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक दिखाते हो, तो बहुत सारा क्या कमेंट करते हैं ना पति हमें कि आप स्पोर्ट्स का थोड़ा सा माइलेज बाइक भी दिखाओ, ठीक है? इसलिए माइलेज बहुत सारा है, लेकिन माइलेज बाइक इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ ना हर वीडियो में, नहीं कर पाते। बहुत सारा माइलेज बाइक रिच में भरा हुआ है, इसलिए नहीं हो पाता। बाकी जो प्रीमियम रहता है वही मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ आप लोग दिखाने के लिए, बहुत दिखा देते हैं, फिर भी एक बार दिखा देते हैं सब। ये भी आपका 2016 का मॉडल है, ग्लैमर है, ब्लैक ब्लू। ये BS3 गाड़ी है, इसका भी 41 तक आ जाएगा, 41,000 तक आ जाएगा। बाकी टायर कंडीशन की बात करें तो लगभग लगभग हम लोग को 40 या 45% हम लोग को मिल जाती है इसके बाद आता पैसन। ये 2016 का मॉडल है, 16 का दिसंबर का गाड़ी है, और पैशन प्रो है, और ये भी कंडीशन मोटा मोटी ठीक है हम लोग बोल सकते हैं। तो प्राइस भी तो वैसे ही होगा ना? हाँ, ये 39 तक आ जाएगा, 39 तक आ जाएगा, ठीक है। और ये iSmart है, 2018 का मॉडल है, iSmart 2018 का स्पेंडर iSmart, ये 18 का मॉडल है, ये भी अच्छा है कंडीशन, और थोड़ा बहुत कंडीशन अगर कितना तक आ जाएगा, ये सर्विसिंग करके ही देंगे। ये भी आपका 36 तक आ जाएगा। और ये आपका BS6 स्पेंडर प्रो है, 2020 का मॉडल है, ये फुल कंडीशन है, इसका भी 62 तक आ जाएगा, ठीक है। बाकी वो जो सामने पीछे रखा वो डिक्की नहीं है, ठीक है? वो डिक्की नहीं है, वो चाबी रखने का जगह है, ठीक है, गाड़ी का। और कुछ ये आपका प्लैटिनम है, 2015 का मॉडल है, इसका भी सीट बनने गया क्या? हाँ, इसका भी सीट बनने गया, सीट फट गया था। तो ये भी आपका 32 तक आ जाएगा, छोटा मोटा जो रिक्वायरमेंट है वो आप करके दे देते हैं ना। ये भी 2018 का प्लैटिना है, 2018 का प्लैटिना, हाँ, ये भी फुल कंडीशन है, एकदम बॉडी वॉडी सब तेज है, LED लाइट का साथ है, तो ये भी आ जाएगा 38 तक आ जाएगा। इसके बाद पहले तो हम लोग फिर से पैशन प्रो दिखा देते हैं। ये पैशन प्रो है, 2020 का मॉडल है, BS6 मॉडल है, ये भी आपका 61 तक आ जाएगा। BS6 मॉडल है, 2019 का 20 का मॉडल है, और कितना बोले? 61 तक आ जाएगा, 61 तक आ जाएगा, 61 तक आ जाएगा। इसके बाद फिर से ये वाला दिखा दो भाई, इसका सुपर स्पेंडर है, BS6 मॉडल है, हाँ, ये भी फुल कंडीशन है, ये भी 62 तक आ जाएगा, 62 तक आ जाएगा, 62। इसके बाद फिर से आते वो वाला आपका 2018 का ग्लैमर है, हाँ, ये आपका 2018 का ग्लैमर है, ये भी आ जाएगा आपका 41 तक आ जाएगा। फिर से सुपर स्पेंडर है, BS6 मॉडल, 2020 का मॉडल है, ये भी फुल कंडीशन है, ब्रांड न्यू है, इसका भी ओके 62 तक आ जाएगा। और मेरे पास बहुत सारा बाइक है, और देखिए हम नहीं बोल पाते, हाँ, हम समझा दे रहे हैं, जैसे कि इनका पास मतलब बाइक बहुत सारा रिच में भरा हुआ, ठीक है, Version 3 भी बहुत सारा बाइक भरा हुआ, तो क्या होता ना कि इतना सारा माइलेज बाइक, आप लोग जैसे कमेंट करते हो मुझे कि भाई माइलेज बाइक भी दिखाओ, तो मैं आप लोग के लिए, आपको पता ही था मैं कोलकाता भी जाकर आया हूँ, बहुत जगह मैं घूमूंगा, अभी तो बहुत सारा वीडियो आना बाकी है, ठीक है, हर डीलर के साथ बहुत सारा वीडियो आएगा, तो मैं आप लोग के लिए हर जगह जाऊंगा, हर जगह से वीडियो लाऊंगा, जैसा आप लोग रिक्वायरमेंट रहेगा मैं वैसा वीडियो आप लोग लाऊंगा। बाकी आप लोग देख सकते हो इतना धूप में भी मैं आ गया हूँ वीडियो बनाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो आप लोगों सिर्फ एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पर एड्रेस क्या हो जाएगा? एड्रेस आसनसोल, वेस्ट बंगाल, आसनसोल, चांदा मोड़, मारुति सुजुकी का पीछे जस्ट एक चांदा पीछे, पेट्रोल पंप का बगल में जो गली है वही से आप आ सकते हैं, बीके शोरूम का पीछे आने से ही मेरा शोरूम दिख जाए। बाकी आप किसी से पूछ सकते हो, पर्दा का नंबर रहेगा, आप लोग नंबर से भी कॉल करके पूछ सकते हो, मारुति सुजुकी शोरूम के पास जस्ट पीछे। और रिस्पॉन्स कैसा, वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन कस्टमर को हम डील नहीं कर सकते, फोन में इतना बात नहीं कर सकते, दिन भर में 1 लाख फोन आता तो हम नहीं कर पाएंगे, अगर कस्टमर को 1 लाख फोन आता है, 5 मिनट 2 मिनट बाद फोन आता, तो कोई भी कस्टमर फोन किया कि ये गाड़ी है कि नहीं, आप लोग पूछ लो और आ जाओ, हाँ, पूछ लो, गाड़ी का डिटेल हम नहीं बता पाएंगे कि क्या गाड़ी मेरे पास अभी स्टॉक है, आप लोग वीडियो में देख लीजिए कौन सा गाड़ी देखें, हाँ, कौन सा गाड़ी क्या अच्छा रहेगा ना, वो गाड़ी है कि नहीं हम वो बता देंगे, आप आ जाइएगा, आप फोन करके आइएगा, घर से निकलने का टाइम हमको फोन करिएगा कि हाँ अच्छा सा आप लोग को ट्रीट किया जाएगा ना, एक कस्टमर से मेन बात है ना कि गाड़ी इतना सारा, देखो अब गाड़ी इतना सारा, आप लोग जैसे आप लोग वीडियो में देख लो कौन सा गाड़ी आपको पसंद है, या फिर आपको अगर कोई एक ही गाड़ी अगर पसंद है कि वो गाड़ी है कि नहीं, जैसे इस वीडियो में कोई गाड़ी हम लोग दिखा नहीं पाए, ठीक है, आप लोग वो गाड़ी चाहिए तो आप लोग क्या कर कॉल करके पूछ लो वो गाड़ी है कि नहीं, बाकी आप लोग कॉल कर ये बोलोगे कि कौन कौन सा गाड़ी है कैसा, तो कोई भी डीलर नहीं बता पाएगा भाई, इतना अटेंड कॉल करते हैं वही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन तो बता ही देते हैं फोन, हाँ, फोन में कंडीशन बता ही देते हैं, थोड़ा बहुत 2-400-500 का खर्चा हो तो हम बोले कि कर देंगे यहाँ, और फाइनेंस अवेलेबल,
अभी तक अवेलेबल हाँ है, लेकिन 2018 का बाद में गाड़ी लेकर 18 का बाद में हो जाएगा, पहले नहीं था, अब हो गया, अभी हो गया, हाँ, चलो। और कहाँ तक, कितना रेंज तक हो जाएगा? वही आपका मोटा मोटी 18 का मॉडल, 18 का ऊंचा मॉडल। नहीं नहीं, जैसे कि कितना दूर का कस्टमर के लिए हो जाएगा? नहीं, लोकल आसनसोल, आसनसोल, आसनसोल दुर्गापुर। और अगर कोई जैसे कि चैनल का नाम करेंगे तो? हाँ, चैनल का नाम करेगा तो हम जो सर्विसिंग है, जो गाड़ी में खर्चा थोड़ा बहुत करके एकदम सब कुछ ओके करके देंगे। थोड़ा सा कुछ नेगोशिएट भी कर दीजिए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत दूर दूर से आते हैं ना। जो आने का जाने का खर्चा है, जो जाने का आपको कैरी करके ले जाना है, गाड़ी यहाँ से ले जाने का खर्चा, वो हम माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर के लिए, जैसे मेरा हर सब्सक्राइबर के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत, आप लोगों को पता होगा, मैं हर सब्सक्राइबर को बहुत मानता हूँ, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, अभी एक आधा घंटे पहले की बात है, मेरे सब्सक्राइबर मेरे को मिले थे, मैं कहीं पे खड़ा हुआ था, तो वो मेरे को सिर्फ बोले भैया कि मैं आके आपसे बात नहीं करूँ कि नहीं करूँ, मैं सोच रहा था। भाई आप लोग सोचो मत, कहीं भी अगर मैं आप लोग को दिखता हूँ तो आप लोग सीधा आके मुझसे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा मुझे अच्छा लगता है, आप लोग कहीं भी मुझे मिलते हो तो मुझे अच्छा ही लगता है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जहाँ तक डील था, और हाँ एक चीज और हम बोल देते हैं, कुछ कुछ डीलर का अगर जैसे कि अगर आप लोग को प्राइस ज़्यादा लगता है तो आप लोग कमेंट पे आकर मुझे बोल सकते हैं प्राइस। जैसे कि देखो भाई, मैं तो चाहूंगा कि आप लोग के लिए हर जगह का मैं वीडियो लेके आऊँ, ठीक है, हर जगह का जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ, लेकिन अगर कहीं भी प्राइस ज़्यादा है, कहीं प्राइस कम है, जैसा हर जगह तो प्राइस एक जैसा नहीं होता है ना, तो आप लोग कमेंट में आकर उल्टा फुल्टा मत लिखो यार, आप लोग कमेंट में आकर लिखो कि हाँ प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, मुझे समझ में आता है, लेकिन आप लोग कमेंट में आकर उल्टा सीधा लिख के चले जाते हो, ये बहुत गलत चीज़ है भाई, तो ये चीज मत करना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियो देखो, सपोर्ट करो। तो देखिए, कमेंट वीडियो में गलत लिखता है वो चीज़ बता दे रहे हैं, जैसे कि कुछ कुछ सब्सक्राइबर, मतलब कुछ कुछ सब्सक्राइबर तो नहीं है, मेरा सब्सक्राइबर कभी ऐसा घटिया काम नहीं करते, मेरा सब्सक्राइबर बहुत प्यारा प्यारा सब्सक्राइबर, मेरा बहुत अच्छा सब्सक्राइबर है। कोई कोई कस्टमर होता है कि क्या करता है ना, कि जैसे कि प्राइस कम मिला था ना, फिर भी उल्टा फुल्टा कमेंट में लिख देता है, कुछ दिन से मतलब हो रहा था, अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन मैं सबको इग्नोर करता हूँ, मैं ज्यादा कुछ रिप्लाई भी नहीं करता हूँ। यहाँ पर आके देखिएगा, हाँ यहाँ पर आके देखिए, आप लोगों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होगा कोई खराब व्यवहार करेंगे किसी, हाँ, तब वही बात है, बाकी कोई भी डीलर कोई भी कस्टमर से खराब व्यवहार करना नहीं चाहता, ठीक है, मेरा कस्टमर कितना ग्राहक है, फिर भी हम फोटो कर, हाँ वही तो, इतना सारा कस्टमर है, इतना सारा कस्टमर अभी आया हुआ है, फिर भी प्रदीपदा ने मुझे बुला के मेरे साथ वीडियो बना रहे हैं, बहुत बड़ा बात है, तो ऑब्वियसली बात, अगर आप लोग आओगे तो आप लोग को भी बहुत सारा इज्जत मिलेगा, हर टाइम मेरे पास कस्टमर रहता है, ठीक है, 15 कस्टमर हर टाइम, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल आओ, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जैसे बोला सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन पे कर देना, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।